हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपिका के तरफ से प्यार भरा पिलाक सभी लोगों को। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे? मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आजकल बिजी होने के कारण थोड़ा सा ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, तो आज मॉर्निंग के साथ में ब्लॉग के साथ यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तो सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा सब काम तो हो गया घर का। और गाइज, आज मैं यहाँ से ब्लॉगिंग का शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी मेरा नाश्ता बन के तैयार है, पर अभी किया नहीं है। करती हूँ नाश्ता और फिर मैं आज जाने वाली हूँ एक नई जगह पे, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे हम वहाँ तो है क्या वहाँ पे, और कुछ नया सा होने वाला है तो आपको भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसके वजह से मैंने आज इस रीज़न से ब्लॉगिंग की हूँ, यहाँ से किया है। तो बने रहना आप दोस्तों मेरे साथ और मैं दिखाऊंगी आपको कुछ नए टाइप का और नई चीज़। अभी मैं नाश्ता करती हूँ, फिर तैयार होते हैं। तैयार तो मैं हूँ, पर नाश्ता करती हूँ, फिर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी और आप लोगों के बीच में आप लोगों को शेयर करेंगे ज़रूर। और तब तक ब्रेक के बाद यहाँ पे और धूप बहुत तेज का है। सुबह मॉर्निंग की है ये धूप। और दोस्तों अभी मैं रास्ते में हूँ, छोटा सा रास्ता है, इतना छोटा 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 सा रास्ता, छोटा छोटा रास्ता है। उससे मैं दौड़ दौड़ के ऐसे जा रही हूँ, दौड़ के नहीं मतलब थोड़ा धीरे धीरे जा रही हूँ, तब भी फिसलना आ जा रहा है क्योंकि ओस हो रखी है सुबह की। तो आज दोस्तों हमारे इधर पे ऐसा हो रहा है, दिख रहा है आपको कुछ? ये तो यहाँ पे हमारे खेतों में मतलब आंटी लोग गए हैं आगे, तो हम भी सोच रहे हैं आज आपको कुछ नया दिखाएं। जो यहाँ के लोग हैं तो उनको तो पता ही है, बट जो बाहर के हैं और हैं हमारे जानने पहचानने वाले लोग और जो नहीं भी जानते, उनको भी आज हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी मैं खेतों में पहुंच चुकी हूं, थोड़ा सा आंटी लोगों से बातें करने के लिए और आपके बीच यहाँ पे। तो आधे तो सारे कट चुके हैं, गेहूं काटने वाले हैं, गेहूं काट रहे हैं आंटी लोग। तो मैं भी यहाँ पे आई हूँ, आज मैं यही दिखाने वाली थी आप लोगों को, क्योंकि मौसम आजकल थोड़ा सा साफ हो रखा है, इसके वजह से फटाफट गेहूं की कटाई तैयारी चल रही है यहाँ। तो अभी हो चुके हैं सारे खेतों में गेहूँ, तो इसके वजह से बीच में बारिश हुई थी, थोड़े से गेहूँ गिर चुके थे, इसके वजह से आजकल थोड़ा मौसम ठीक है। तो अब काटने वाले हैं आंटी लोग, सब अपने अपने खेतों पे हैं। तो मैं भी आई हूँ आज खेतों पे, थोड़ा सा मैं भी ट्राई मारती हूँ है कैसा होता है यहाँ का काम करना, क्योंकि पिथौरागढ़ में तो हमारे उधर ऐसे हाथ से निकालते हैं गेहूँ, ऊपर से बालियाँ बालियाँ निकालते हैं, एक दो निंगाले बोलते हैं, मतलब पहाड़ में निंगाल बोलना, तो उन्हें डंड बनाना, तो वे वजह इसके हाथ निकालना गेहूँ बाली बाली ऊपर से निकालते हैं, नीचे से वो काट देते हैं जो भूसा होता है। यहाँ हाथ से पूरी गेहूँ की कटाई होती है, फिर बाद में अभी मशीन लगेगी, अभी मैं दिखाती हूँ। ऐसे करके कटते हैं गेहूँ, तो बहुत आफत आती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक तो गर्मी की सीजन हो चुकी है थोड़ा थोड़ा, और फिर ऊपर से गेहूं थोड़े गिर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा टफ है, और उसके बाद काटने के लिए भी बहुत तेज़ी से काटना पड़ता है। अभी फिर काटते हैं, बांधना भी पड़ता है, और फिर सूखे वाले ज़्यादा होते हैं तो हाथ भी कट जाते हैं इनसे, बहुत हार्ड होते हैं। बट हम लोग, क्योंकि हमारी देवभूमि उत्तराखंड कल्चर कितना प्यारा है, कितना अच्छा लगता है, शुद्ध भूमि है हमारी, तो हमें हमारे मम्मी पापा जो भी है मतलब गांव के हमारे बुज़ुर्ग लोग और हमारे माँ बापों ने हमें ऐसा सब कुछ कैसा क्या क्या करते हैं और हमारी रीति रिवाज के हिसाब से क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे उत्तराखंड में, तो हमें सब कुछ सिखा रखा है। जितना भी होता है हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा तो क्या आता है, फिर भी अपने हिसाब से हम भी थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा हमें पहाड़ में, पहाड़ की बेटियां हैं इसलिए हमें सिखाया है। तो दोस्तों हम आज मैं आपके बीच भी शेयर कर रही हूँ, तो इसी बीच और मौसम का ऊपर नज़ारा और धूप सुबह का, अभी 7:30 बज चुके हैं, तो इसके वजह से वहाँ पे आंटी लोग दिख रहे होंगे आप लोगों को, और मैं भी अभी ट्राई करूँगी। तो
दोस्तों ऐसे काटते हैं ये आंटी लोग सब अपने खेतों पे काट रहे हैं गेहूँ। अभी आगे मैं भी काटूंगी थोड़ा सा, क्योंकि अब तो मैं भी यहाँ बहुत साल हो चुके हैं और मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, यहाँ का जो भी है सीखी हूँ मैं भी थोड़ा थोड़ा। तो आगे जो भी नया और सीखने को मिलेगा और सीख लूँगी, तो इसके वजह से ऐसे करके मुँह को बांधना पड़ता है और हाथों को भी जल जाते हैं बहुत धूप की वजह से, तो कपड़े ज़्यादा पूरे फुल बाजू के पहनने पड़ते हैं। तो इसके वजह से अभी मैं भी थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ, तो आप भी बने रहो मेरे साथ, आगे दिखाते हैं। दोस्तों खेतों में गेहूं काटते काटते हमारे इधर कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये जब गेहूं कट जाते हैं तो छोटे से खेतों के नीचे पर आ जाते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने के लिए, पर ये प्यारे लगते हैं ये। आपका पूरा पूरा नाम क्या है? आपका पूरा पूरा नाम क्या है? पांडे। तो दोस्तों आज मैंने दिखाया आपको आगे गेहूं के खेत में गेहूं कैसे काटते हैं, और गेहूं की कटाई चल रही है करके, तो फिर खेतों का भी दिखाया था। और थोड़ा सा मैं भी जा रही हूं अभी थोड़ी देर के लिए, तो ये मेरी दराती है और बहुत हार्ड है काटने का, तो थोड़ा सा मैंने कल भी काटा था बट हाथ में भी कट गई थी थोड़ा सा। तो
बहुत तेज़ी का धूप है। अभी शाम की टाइम हो गई है, अभी जा रही हूँ मैं खेत में और पीछे मेरे साथ वाले भी आ रहे हैं अभी। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग मेरी कैसी लगी और बताना आप लोग ज़रूर, मेरी कमेंट बॉक्स पर बता देना। और ये मेरे साथ वाले आ रहे हैं, पीछे एक दो लोग और हैं। सो क्योंकि मैंने दिखाया है थोड़ा सा और मैं यहाँ पे लोगों की मदद के लिए ज़्यादा ले सी, तो बने रहना आप मेरे साथ। और आज की ब्लॉगिंग मेरी कैसी लगी बताना ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे। तो आज की ब्लॉगिंग मैं यहीं पे समाप्त करना चाह रही हूँ। सो गाइस फिर मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए सभी लोगों को मेरे तरफ से बाय।